हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रानू मंडल। एक ऐसा शख्स जो आज एकदम मिट्टी से एकदम जमीन से आसमान तक पहुंच गई, जिसके पास आज सब कुछ है, उसका बिछड़ा हुआ लड़का लड़की सब कोई आ गया है, उसके पास एक टैलेंट जो कभी छुपा नहीं रहता है। तो वैसे ही एक टैलेंट इंडिया का जो रानाघाट स्टेशन तक पहुंच चुकी है, जो गाना गा रही है हिमेश रेशमिया के साथ उसका आने वाला मूवी के लिए, जो वीडियो सबको पता है, सबको ही ने देखा है। मैंने भी दो चार दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे मैंने बोला था कि कैसे एक सोशल मीडिया एक जन की लाइफ को बदल सकता है। तो दोस्तों, वैसे ही रानाघाट स्टेशन पे जो रानू मंडल है वो गाना गाती थी। जनरली पुराना गाना जो भी है, पुराना सॉन्ग जो होता है लता जी का, आशा जी का, वो सारे गाना गाती थी। और आज वो जाके मुंबई के स्टूडियो पे गाना गा रही है। बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर उसको ऑफर कर रहा है गाना गाने के लिए, ताकि आइए आप हम लोगों के लिए गाना गाइए, क्योंकि आपका जो वॉइस है वो बहुत ही खूबसूरत है। बट दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि रानू मंडल अचानक से कैसे हम लोग के सामने आ गई? एक ऐसा टैलेंट जिसको कभी पता नहीं था, किसी कोई कभी देखा नहीं, सुना नहीं, बहुत लोगों ने सुना है बट कभी कोई उसका कदर नहीं किया। तो इसके पीछे जिसका हाथ है वो है अतिंद्र चक्रवर्ती। अतिंद्र चक्रवर्ती रानाघाट स्टेशन पे रहने वाला एक ऐसा बंदा जो आईटी सेक्टर में जॉब करता है। एक दिन रानाघाट स्टेशन पे उसने रानू मंडल का गाना सुना और उसके बाद एक वीडियो करके उसने फेसबुक पे उसको अपलोड कर दिया और धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होने लगा। फिर सब कोई ने उसी के ऊपर वीडियो भी बनाया, सबको धीरे धीरे बहुत सारा फायदा भी मिला। बट ये अतिंद्र चक्रवर्ती जी है, उसको तो मेरे तरफ से बहुत बड़ा सल्यूट, क्योंकि सर आप अगर नहीं होते तो ये रानू मंडल जैसे टैलेंट कभी हम लोग के सामने नहीं आता। तो दोस्तों, आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट है कि रानू मंडल को आप लोग जितना प्यार दे रहे हो, जितना रेस्पेक्ट दे रहे हो, सेम टू सेम प्यार रेस्पेक्ट इस अतिंद्र चक्रवर्ती को भी मिलना चाहिए, क्योंकि अतिंद्र चक्रवर्ती अगर नहीं होते तो रानू मंडल जैसा टैलेंट हम लोग के सामने कभी नहीं आते। रानू मंडल का भी बहुत सारी कंट्री से, बहुत सारी जगह से स्टेज शो करने का, म्यूजिक एल्बम रिलीज करने का, अपना खुद का म्यूजिक एल्बम बनाने का भी ऑफर आ रहा है। और ये अतिंद्र चक्रवर्ती जो है, वायरल होने के बाद से, जब से सब कोई रानू मंडल को पहचानने लगा, तब से वो रानू मंडल के साथ है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। ताकि मतलब हो सकता है ना कि आजकल दुनिया कभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि टैलेंट मतलब हम लोगों के जानने से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही खतरनाक इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री पे प्रॉपर टैलेंट को एक जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसने कभी रानू मंडल का साथ नहीं छोड़ा, उसको फ्लाइट पे लेके गया मुंबई पे, हिमेश रेशमिया के साथ उसका गाना गवाया, उसको इंडिया पे लेके आया, सब कुछ ये बंदा अकेले कर रहा है, जिसके लिए फिर से अतिंद्र चक्रवर्ती को मेरे तरफ से सैल्यूट। सर आप अगर नहीं होते तो सच में ऐसा टैलेंट हम लोगों के सामने कभी पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, यही होता है सोशल मीडिया का पावर। मैंने पहले भी एक वीडियो पे बोला था, जो मेरा पिछला वीडियो था रानू मंडल को लेके, तो उस वीडियो पे मैंने बोला था कि सोशल मीडिया का पावर क्या होता है। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन पे मैं देखता हूं कि आप लोग बोलते हो कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक कहां से मिलेगा हम लोगों को, या मेरा चैनल कभी मतलब वायरल नहीं हो रहा है, मेरा चैनल को ग्रोथ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, जो ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना, ये ट्रेंडिंग टॉपिक कहीं गूगल पे नहीं मिलता है, कहीं बाजार पे नहीं मिलता है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है। देखो भैया, ये रानू मंडल के बारे में अगर आप लोग वीडियो बना, तो आप लोग देखो यूट्यूब पे जाके कि काफी सारे चैनल, मतलब सौ हजार चैनल है जो रानू मंडल के ऊपर कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहे हैं, और उसको हर एक वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज मिल रहा है, कहीं तो मिलियन व्यूज भी आ रहा है एक एक वीडियो पे, और चैनल भी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, मैं यही आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग भी कोशिश करो कि अगर हो सके तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का, उसके बाद आप लोगों का भी चैनल ग्रो हो सकता है। बट दोस्तों, सबसे लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि रानू मंडल जैसा प्यार, जैसा आपने आप लोगों ने उसको फेमस किया है, अतिंद्र चक्रवर्ती को भी फेमस करो, क्योंकि सेम टू सेम वैल्यू उसको भी मिलना चाहिए। तो बस वीडियो को यही खत्म करते हैं, उम्मीद करते हो वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, यूट्यूब पे एक्टिव रहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे एक्टिव रहो, ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोगों को मिलते ही जाएगा। ट्रेंडिंग टॉपिक एक दो दिन में आ जाता है, तो कोशिश करो उसके ऊपर वीडियो बनाने का, और अपने चैनल को ग्रो करो, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, तो स्क्रीन पे दिखाई गई इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को पिन करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।